ओम ज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमय गौरविषये नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोस्तुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम पढ़ रहे थे महाप्रभु पंडित विद्यानिधि के विषय में, कह रहे हैं उनकी महिमा का गान कर रहे हैं और कहते कि वो गंगा स्नान के लिए तक नहीं जाते थे क्योंकि वो देखते थे कि लोग जो है मलमूत्र करते हैं, दांत धोते हैं और भी अन्य क्रिया करते हैं, बालों को धोते हैं और गंगा जी मेरी माँ है, मैं उसको कभी चरण कैसे स्पर्श करूँ। और इस प्रकार जो गंगा जी को मैं गंदगी फैलाते हैं उन्हें बहुत दुख होता है, इसी कारण से वो गंगा जी के दर्शन करने नहीं जाते और रात के समय जाके गंगा जी को प्रणाम करते हैं। लोग इन्हें नास्तिक समझते हैं क्योंकि वैष्णवों की क्रिया को जानना बहुत मुश्किल है, कोई भी इंसान वैष्णव को समझ नहीं सकता। उन भगवान की कृपा या वैष्णव कृपा हो तभी हम समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भक्ति के सिद्धांतों को समझाते हैं, वो छठ ग्राम में रहते हैं लेकिन उनका घर यहाँ पे नवदीप मायापुर में भी है, वो तुरंत आएंगे तब आप उसके दर्शन कर सकते हो। हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए On seeing him, none of you will immediately recognize him, यानी उसके दर्शन करने मात्र से आप उसे तुरंत नहीं पहचान सकते। Rather you will simply consider him a materialist, आप उसको केवल एक भौतिकवादी ही समझोगे कि भाई एक भोगी इंसान है जो उस भोगों में पड़ जाता है, आप वही समझोगे। मैंने कहा ना ये जो प्रेम है वैराग्य है ये अंतकरण की मनुष्य की स्थिति होती है। हम बाहर से तो अपना को वैरागी मानते हैं दिखाते हैं, अंदर से हम कामी होते हैं। हमें अंदर से वैरागी होना है, अंदर से वैराग्य तब होगा जब राधा कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम पड़ेगा। बाहर से जैसे मर्जी देखते कोई समस्या नहीं, अंदर से वास्तव में वैरागी होना वो तभी संभव है जब हमारी भक्ति बढ़ती है। आई कैनोट हैव पीस ऑफ माइंड विदाउट सीइंग हिम, यानी मुझे शांति नहीं मिलती जब तक मैं उनके दर्शन नहीं करूंगा। भक्त को प्रभु के दर्शन की व्याकुलता होती है, उसी प्रकार भगवान को भी भक्त के दर्शन की व्याकुलता होती है। Therefore all of you attracted to come here, ये सब लोग उन्हें यहाँ पे आने के लिए आकर्षित करिए। After speaking in this way, the Lord became overwhelmed and began to cry and call on O Patrik, O Father. इस प्रकार कहते हुए महाप्रभु जो है भाव में डूब गए और रोने लगे और कहते हो पटरिक ओ पिता, इस प्रकार कहने लगे। The Lord cried loudly, only He knows the glory of His devotees. भगवान जो है जोर से विलाप करते हैं और केवल वही जानते हैं अपने भक्तों की महिमा को। लॉर्ड चैतन्य अलोन नोज द ग्लोरी ऑफ योर डिवोटीज, महाप्रभु अकेले अपने भक्तों की महिमा को जानते हैं। ओनली वन होम ही फेवर्स मे ऑल्सो नो हिम, जो जिस पे भगवान कृपा करते हैं वही भक्तों को जान सकता है। इन दिस वे द लॉर्ड अट्रैक्टेड पुंडरीक हु डिसाइडेड टू विजिट नवदीप,
इस प्रकार प्रभु ने पुंडरीक को आकर्षित किया और तब उनके मन में इच्छा नवदीप जाने की, यानी प्रभु के धाम प्रभु की कृपा बगैर प्रभु के बुलावे के बगैर कोई जा नहीं सकता। प्रभु जीव की विनम्रता और प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर उसे अपने पास बुला लेते हैं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, विनम्रता यानी अपने आप को तुच्छ मानना, जो तुच्छ मानेगा उसमें सहनशीलता होगी और जिसमें सहनशीलता होगी उसके अंदर प्रेम भी होगा और वही प्रभु को आकर्षित कर सकता है, नहीं तो प्रभु कभी भी अहंकारी इंसान के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होते। He came with many servants, Brahman, disciples, devotees and paraphernalia. वो आए अपने सेव को ब्राह्मण शिष्यों भक्तों और अन्य सामग्रियों समेत। He came and seated ready in Navdeep. वो आए और चुपचाप गुप्त रूप से उन्होंने नवदीप में वास किया। Well, everyone saw him as a gross materialist. जहाँ पे सबने उन्हें एक भोगी के रूप में देखा। None of the Vaishnav knew him except Mukund. कोई भी वैष्णव उन्हें नहीं जान सके मुकुंड के अलावा, कोई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम, जो उन्हें तुरंत पहचान गए। The learned doctor श्री मुकुंड knew him for they were both born in Chhatagram. जो वैद्य मुकुंद थे वो पहचान गए क्योंकि उनका भी जन्म Chhatagram में ही हुआ था। The Lord was unlimitedly happy to know about the arrival of Vidyanidhi. भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए जब उन्हें पता चला कि विद्यानिधि आए हैं। But the Lord did not disclose this fact to any of the Vaishnav. भगवान ने ये बात किसी वैष्णव को जताई नहीं। पुंडरीक appeared to be just like a materialist. पुंडरीक जो थे एक भोगी की तरह दिखाई देते थे। Only Mukund and Vasudev that knew the glories of his ecstatic love. केवल मुकुंद और वासुदेव जानते थे उनकी महिमा को, उनके भाव को और उनके प्रेम को, जो पंडित विद्यानिधि के अंदर भाव और प्रेम थे। गदाधर पंडित वॉज वेरी डियर टू मुकुंद। गदाधर पंडित जो थे मुकुंद के अति प्रिय थे। He was a constant companion of Mukund. वो मुकुंद के संगी थे। Whatever news Mukund heard, he would tell to Gadadhar. जो कुछ मुकुंद सुनते थे वो गदाधर से कहते थे। One day he said, today a wonderful Vaishnav has arrived. तो उन्होंने एक दिन मुकुंद ने गदाधर से कहा, एक अद्भुत वैष्णव का आगमन हुआ है। ओ गदाधर पंडित, listen carefully. गदाधर पंडित ध्यान से सुनिए। Would you like to see a Vaishnav? आप किसी वैष्णव के दर्शन करना चाहते हो? Today I will show you a wonderful Vaishnava. आज मैं तुम्हें एक अच्छे वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। So that you may think of me as a servant. ताकि आप मुझे अपना दास्य के रूप में स्वीकार करें। On hearing this, Gadadhar became very pleased. ये सुन के गदाधर जो है बहुत खुश हुए। जो भी कोई भी वैष्णव किसी वैष्णव को देख के पसंद ही होता है। वो वैष्णव ही क्या है जो दूसरे को देख के कुड़े, ईर्ष्या के अंदर भाव हुए, क्रोध आए, मतलब वो वैष्णव है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े, हाँ जी हम तो ऐसे ही है। जब पता है हमारे में कमी है तो उसको सुधारो। लोग क्या है अकड़ के रहते हैं, हम तो ऐसे ऐसे ही रहेंगे। तो जब इंसान सरल नहीं बन सकता, सुधरना नहीं चाहता है, फिर वो भूल जाए कि उसका उद्धार होने वाला है। उसे नर्क में जाना मंजूर है लेकिन सुधरना मंजूर नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। लोग जो है नर्क जाने के लिए तैयार रहते हैं, मैं नर्क में जाना मुझे मंजूर है। अभिमान इतना होता है, इतना अभिमान होता है, वो नर्क में जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं। हम तो ऐसे ही है जी, हम ऐसे ही रहेंगे, जो मर्जी आप बोलो, क्या करोगे आप। On hearing this, Gadadhar became very pleased. सुनके गदाधर बड़े खुश हुए। They immediately departed while chanting the name of Krishna. वे तुरंत चले गए कृष्ण नाम का जप करते हुए। विद्यानिधि महाशय was sitting in his home when Gadadhar arrived before him. विद्यानिधि जो थे वो बैठे थे घर में
जब गदाधर पंडित आए, गदाधर पंडित ऑफर्ड ऑबिसेंसेस टू पुंडरीक। गदाधर पंडित ने पुंडरीक को प्रणाम किया, हु इन टर्न ऑफर्ड हिम मसीह, जिन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। विद्यानिधि आस मुकुंद, व्हाट इज हिज नेम एंड वेयर डज ही लिव। विद्यानिधि मुकुंद से पूछते हैं उसका नाम क्या है और कहां पे वो रहते हैं, यानी गदाधर के विषय में पूछा। I can see that his body is effulgent due to devotion to Vishnu, क्योंकि उसके विष्णु की भक्ति है, उसके उसके शरीर में तेजस्विता है, तेज है। His appearance and nature are both enchanting, उसका जो वेश और स्वभाव है बहुत मोहित करने वाला है, यानी भक्त सुंदर ही होते हैं क्योंकि भक्त विष्णु के गुण उनके अंदर विराजमान होते, इसलिए इससे वो सुंदर लगते हैं। मुकुंद सेड हिज नेम इज श्री गदाधर, ही इज फॉर्चुनेट बिकॉज सिंस ही चाइल्डहुड ही हैव बीन डिटैच फ्रॉम फैमिली लाइफ। मुकुंद ने कहा उसका नाम गदाधर है, वह भाग्यशाली है क्योंकि बचपन से ही उन्हें परिवार से आसक्ति नहीं है, और जिसकी आसक्ति कृष्ण के चरणों में हो जाती है फिर संसार में उसकी आसक्ति नहीं रह सकती। और कोई भाग्यशाली होता है जो जन्म से ही इस प्रकार के संस्कार लेके आता है, ये गुण लेके आता है, बहुत भाग्यशाली, प्रभु के कृपा का पात्र ही होता है। He is known as the son of Madhav Mishra, वह माधव मिश्र के पुत्र है। All the Vaishnavs have great affection for him, और सारे वैष्णव उनसे स्नेह करते हैं। He is constantly engaged in devotional service and always associated with devotees, वह हर समय भजन करते रहते हैं और भक्तों का संग करते हैं। भजन करना और भक्तों का संग करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जब क्रिया की जाती है तभी वह वास्तव में भक्ति कहलाती है। On hearing your name, he came to see you, आपका नाम सुनते ही वह आपके पास आए। विद्यानिधि was greatly satisfied to hear this, विद्यानिधि बहुत तृप्त हो यह सुन के। And began to speak to him with great respect, और बड़े आदर के साथ वो बातचीत करने लगे। द वे पुंडरीक महाशय सैट देयर, इट अपीयर्ड एज इफ ही वर अ प्रिंस। पुंडरीक महाशय जिस ढंग से बैठते थे ऐसा लगता था कि वो एक राजकुमार है, इस प्रकार दिखाई देते थे। ही सैट ऑन एन ऑपलेंट रेडिश कौच डेकोरेटेड विद ब्रास आर्मरेस्ट। वो कैसे सोफे पे बैठे थे जिनके जहाँ पे बाजू रखते हैं वो ब्रास के बने हुए थे। देयर वर थ्री ऑपलेंट कैनोपी अबव हिज हेड, यानी उनके तीन सिर पे तीन प्रकार के छतर थे। नेक्स्ट टू हिम देयर वाज एन ऑपलेंट बेड कवर्ड विद फाइन सिल्क, उसके बगल में एक ऐश्वर्यशाली बिस्तर था जो सिल्क के कपड़े से ऊपर चढ़ाया हुआ था। एंड हैविंग पिलो ऑन ऑल साइड, उसके चारों ओर तकिए लगे थे। देयर वर फाइव और सेवन बिग एंड स्मॉल वाटर पॉट, पांच या सात छोटे मटे मटके थे। देयर वाज एन ऑपलेंट ब्रास कंटेनर फिल्ड विद ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पान, एक ब्रास का जो क्या बोलते कंटेनर था जिसमें पान बने हुए थे, पान बन के रखे हुए थे। टू ऑपुलेंट स्पिटून्स वर ऑन हिज टू साइड, यानी थूकने का जो पात्र है, जो थूकने का पात्र है उसके दोनों ओर रखा हुआ था। ही स्माइल्ड एज ही च्यूड पान एंड लुक्ड एट हिज लिप्स, वह मुस्कुराते हैं और पान को चबाते हैं और अपने होठों को देख रहे हैं। टू पर्संस कॉन्स्टेंटली फैंड इन विद ऑपुलेंट फैंस मेड फ्रॉम पीकॉक फेदर्स, दो बंदों ने का बंदे जो थे क्या कहते उसका पंखा झुला रहे थे, वो भी मोर पंख से पंखा कर रहे थे। हिज फोर हेड वाज डेकोरेटेड विद सैंडलवुड पेस्ट, उनके माथे पर जो था चंदन का लेपन था।
तिलक एंड डॉट्स ऑफ सैंडलवुड पेस्ट एंड वर्मिलॉन, और यानी चंदन का तिलक था और दूसरी चीज थी उनके सिर पे लाल बिंदी भी थी। What can I say about the wonderful style of his hair? मैं उनके बालों के विषय में क्या करूं? बड़े अद्भुत थे। Which was anointed with fragrant amalki oil? उसमें जो था खुशबूदार अमलकी का तेल था। By the influence of devotional service, his body appeared like that of Cupid. भक्ति के बल से उनका शरीर ऐसे लगता था जैसे वो कामदेव का हो। Anyone who did not know him would certainly consider him a prince. जो उनको नहीं जानता वो उन्हें एक राजकुमार ही मानेगा कि वो राजकुमार ही है। In front was a wonderful palanquin equipped with all accessories. उनके सामने एक पालकी थी जो बहुत सी सामग्री है जिसके अंदर थी 22 paraphernalia. He appeared to be materialist. तो जो सामग्री उसके आसपास थी उससे ऐसे लगता था एक भोगी इंसान की सामग्रियां हैं। On seeing his materialistic form, some doubt arose in the heart of Sri Gadadhar. उनके भौतिक रूप को देखकर कुछ शंका उत्पन्न हुई गदाधर के हृदय में। गदाधर महाशय had been renounced from the time of his birth. गदाधर महाशय जो थे जब से जन्म लिया उनके अंदर वैराग्य था। सो ही डेवलप सम डाउट अबाउट विद्यानिधि, उन्हें विद्यानिधि को लेके कोई शंका उत्पन्न हुई। ही इज अ ग्रेट वैष्णव, उन्हें लगा कि ये इस प्रकार के वैष्णव होते हैं, ये महान वैष्णव है। ही अपीयर्ड विद हिज ऑपुलेंट फूडस्टफ्स, ऑपुलेंट ड्रेस, उनके सामने बहुत ज्यादा खाने की सामग्रियां, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े, ऐश्वर्यशाली एंड ऑपुलेंट है। उनके बाल देखो कितने अच्छे ढंग से सजे हैं। इस कंपनी लाइक दैट ऑफ मटेरियल, ऐसा लगता है वो किसी भौतिकवादी होते, कोई भोगी होता है। उस हिसाब से उनके सारे रहन सहन है। गदाधर हैड गुड फेथ इन हिम आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम। गदाधर जी ने जब इनके विषय में सुना था मुख से उनको निष्ठा हुई थी। बट नाउ दैट ही सॉ हिम दैट फेथ वाज लॉस्ट, लेकिन दर्शन करने मात्र से उनकी निष्ठा खत्म हो गई। मतलब ये होता है कि देखने से जो हमें दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो वैसे ही वो सही हो। इसे कहते हैं दर्शन हमेशा कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते। मनुष्य को दर्शन जब भी करने हैं, महिमा सुनो, कथा सुनो भक्त के विषय में, प्रभु के विषय में, तब समझ सकोगे। नहीं तो हम कई बार अपराध कर बैठते हैं, गलत अर्थ में लेके उनको देखते ही। यार ये वैष्णव की यही वेशभूषा होती ये भी कोई गारंटी नहीं। हृदय की स्थिति है, कितना ज्यादा प्रेम में डूबा है वो बताता है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके हृदय की स्थिति बताती है ये वास्तव में वैष्णव है। क्योंकि एक्टर लोग भी तो कंठी पहन सकते हैं जो एक्टिंग करते हैं, इसका मतलब थोड़ी क्यों वैष्णव बन गए। ये हृदय की स्थिति मूल है और प्रभु हृदय की स्थिति के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। गदाधर हैड गुड फेथ आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम, बट नाउ दैट ही सम दैट फेथ वाज लॉस्ट। Understanding the heart of Gadadhar, Sri Mukund happily began to reveal Vidyanidhi's glories. Gadadhar ke hriday ki sthiti jaan ke Mukund Pandit ne kya kiya? Vidyanidhi ki mahima ka gaan karna shuru kiya. By the mercy of Krishna, nothing is unseen or unknown to Gadadhar. For Krishna is the Lord of Maya. कृष्ण की कृपा से ऐसे कोई चीज नहीं है जो दिखाई दे या जो ना दिखाई दे या उन्हें पता ना हो, क्योंकि वो कृष्ण के कृपा है उन पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके अंतरंग शक्ति माने जाते हैं और कृष्ण जो है मायापति है, इसलिए उनके प्रिय जनों पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। अपनी माया के प्रभाव को भक्तों पे रोक लेते हैं। Then Mukund, who sweetly sing the glories of Krishna,
began to recite some verses glorifying devotional service, तो मुकुंद जो है कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, उन्हें कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए जो भक्ति के अनुरूप थे, जिसमें भक्ति की महिमा का गान किया गया है। द विच पूतना मर्सीलेसली किल्स चिल्ड्रन, जो डाकिनी पूतना है दया रहित होके बच्चों का वध करती है। शी ट्राइड टू किल द लॉर्ड विथ पॉइजन, उन्होंने भगवान को भी मारने का प्रयास किया। येट द लॉर्ड अवॉर्डेड हर द पोजीशन ऑफ मदर, भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। हाउ कैन अ फूलिश पर्सन नॉट वर्शिप सच अ मर्सीफुल लॉर्ड, मूर्ख इंसान ऐसे प्रभु की उपासना कैसे नहीं करेगा, जो उन्हें मारने आता है उन्हें भी वो सदगति देते हैं। सारे राक्षसों को प्रभु ने सदगति दी, चाहे वो राम अवतार के हो, चाहे नरसिंह अवतार के हो, चाहे कृष्ण, ऐसा कोई प्रभु का अवतार नहीं है जो प्रभु के हाथ से मारे गए और उन्हें मोक्ष नहीं मिला, प्रभु का धाम ना मिला। और अपने भक्तों को तो प्रभु देते ही देते हैं, क्योंकि प्रभु के अंदर ना बहुत अधिक करुणा है, दया है, कृपा है, इसलिए वो सब पे कृपा करते हैं। प्रभु तो इतने वैर भाव से इसी मेरा भजन तो करते हैं, चाहे वैर भाव से इसी क्या होगा, इसलिए वो अधिकारी हो जाते हैं प्रभु की कृपा के। लेकिन महाप्रभु ने जो चीज दी वह अन्य नहीं, वो क्या था, ब्रज का भाव दिया, राधा रानी के भाव दिए, बाकी करुणा दया और कृपा ये सभी अवतारों में एक समान है, सबको गति दी। सिर्फ महाप्रभु के एक विशेषता है, उन्होंने ब्रज के भाव प्रदान किए जो अति दुर्लभ है, जो राधा रानी का भाव है वही महाप्रभु ने दिया। बाकी अवतारों ने अपना धाम दिया, मोक्ष दिया, लेकिन ब्रज का भाव नहीं दिया, महाप्रभु ने ब्रज का भाव दिया। यही अंतर है अन्य अवतारों में महाप्रभु में, सिर्फ महाप्रभु ने ब्रज का भाव दिया, बाकी अवतारों ने नहीं दिया। मोक्ष दिया, अपना धाम दिया, सब कुछ दिया, स्वरूप दिया अपना, लेकिन ब्रज भाव नहीं दिया, महाप्रभु ने ब्रज का भाव दिया, बाकी करुणा तो सबके अंदर ही है। तो कहते हैं वो मूर्ख बंदा होगा जो ऐसे दयालु प्रभु की सेवा नहीं करेगा। अलास हाउ शैल आई टेक शेल्टर वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पोजीशन ऑफ मदर टू अ शी डायमंड पूतना। तो कहते हैं उनसे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है जिन्होंने अपनी माँ, जब पुतनी राक्षसा को भी अपनी माँ का दर्जा दिया। Although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast, क्योंकि वो आई थी बुरे भाव से और उसने अपने स्तनों पे विष लगाया हुआ था। पूता वॉज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर द ब्लड ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन, पूता जो थी हमेशा छोटे बच्चों के रक्त का पान करना चाहती थी। एंड विद दैट डिजायर शी केम टू किल कृष्णा, वही इच्छा से वो कृष्ण के पास आई। बट बिकॉज शी ऑफर्ड हर ब्रेस्ट टू द लॉर्ड, क्योंकि उसने अपना स्तन अर्पण किया भगवान को, शी अटेंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उन्हें सर्वश्रेष्ठ चीज प्राप्त की। As soon as Vidyanidhi heard this description of devotional service, he began to weep. जैसे ही उसने कृष्ण की महिमा सुनी, उन्होंने रोना शुरू किया। देखो हमने भी सुनी, हमको कोई आ सुनी, हमें लेश मात्र फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि हमारा हृदय पाप कर्म के कारण इतना कठोर है कि हमें लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। और यही जिसका हृदय कोमल है भजन के द्वारा, श्लोक सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। इससे आप हम अनुमान लगाए कि हमारी क्या स्थिति है और श्रेय भक्तों की क्या स्थिति होती है। उन्होंने श्लोक पढ़ा, मैंने भी वही श्लोक पढ़ा, हम सब ने सुना, लेकिन मेरे समय किसी के अंदर ना आंसू आए ना कोई भाव आए। और विद्यानिधि की दशा देखो, ही बिगैन टू रोना शुरू किया। द अनप्रेसिडेंटेड फ्लो ऑफ टीयर्स फ्रॉम हिज आईज अपीयर लाइक एन इनकार्नेशन ऑफ गंगा देवी, उनकी आंखों में से इतने ज्यादा अश्रु बहे, जिस तरह प्रवाहित हुए ऐसे लगता था कि गंगा देवी स्वयं प्रवाहित हो रही है। All the symptoms excepted love like tears, shivering, perspiration, losing consciousness, ears turning on end and loud shouting of simultaneously manifest in his body. सारे सात्विक विकार, अश्रु होना, कंपन होना, पसीना आना, मूर्छित होना, बाल खड़े होना और जोर जोर से चिल्लाना,
एक साथ उनके शरीर में दिखाई दिए। ये सब सात्विक विकार हैं। He roared loudly while exclaiming, इन्होंने जोर से गर्जन शुरू किया कहते हुए, go on reciting, बोलते कहते रहिए, he could not remain steady and fell to the ground, वो अपना धैर्य नहीं रख सके और मूर्छित हो गए, he broke all the surrounding paraphernalia, सारी सामग्री को तोड़ फोड़ दिया, by the kicking of a लात मार के, nothing was spared, कुछ भी चीज उन्होंने संभाल के नहीं रखा, मतलब क्या कि इनकी लेश मात्र भी आ सकती नहीं है, तभी तो तोड़ सके, यदि ये दिखाना चाहते भक्के द्वारा कि वस्तुओं का मिलना और वस्तुओं का जाना मेरे कोई अहमियत ही नहीं है, अगर मिली है वस्तु उसको मैं सेवा में लगाऊंगा, नहीं भी होगी तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को केवल भगवान से प्रयोजन है, भगवान की भक्ति से प्रयोजन है और किसी चीज से मुझे प्रयोजन नहीं है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, मिले तो बहुत खुश, थोड़ा भी कम हो तो व्याकुल होते, पागल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमाण कि एक साथ तोड़ भी सकते हैं, अपने आचरण के द्वारा मेरी आसक्ति कहीं भी नहीं है, आपको हमको उनकी नकल नहीं करनी है, जब वो स्थिति आ जाएगी सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। हमें एक ही प्रयास करना है, भजन करने का, नाम में निष्ठा, भगवान की लीला में प्रेम, हर चीज़ अपने आप होती जाएगी, नकल नहीं करना किसी की भी, उससे पतन होएगा, अपने आप जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहे, प्रयास करें, भले वो उस अवस्था में ना भी पहुंच पाए, क्योंकि अपने समय के अनुसार उन्हें सिंसियरली प्रयास किया है, इसलिए वो कृपा का पात्र बन जाएगा, वो तर जाएगा, जरूरी कि उस स्थिति तक पहुंचे, ना भी पहुंचेगा क्योंकि ईमानदारी से प्रयास किया है, इसलिए वो कृपा मिल जाती है और जीव तर जाता है, क्योंकि प्रभु जीव के प्रयास को देखते हैं, जीव की समस्याओं को और कमियों को वो जानते हैं और प्रयास के अनुसार ही प्रभु कृपा देते हैं। हाँ, लोग प्रयास ही ना करें, भजन ना करें और कृपा हो जाए, ऐसे कृपा नहीं मिलती है, प्रयास तो करना पड़ेगा लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, बाकी कृपा से जीव तर जाएगा, क्योंकि अपना साधन भी इतना नहीं है कि हम अपने साधन से तर सके, कृपा से ही तरना है, लेकिन ईमानदारी जो सब मिला है उससे प्रयास तो करो ईमानदारी से। What happened to the opulent pan container? वो क्या हो गया पान के पात्र को? And the nicely prepared pan और जो अच्छे भले पान थे उसका क्या हुआ? What happened to the water pot that was used to drink water? उन पीने के पात्र का क्या हुआ जिससे पानी पिया जाता था? Where did the bed fall by the kick of his feet? बिस्तर कहाँ गिरा उनके लात मारने मात्र से? Out of extended love he tore apart his opulent cloth with his two hands. प्रेम के कारण उन्हें शरीर का ज्ञान नहीं रहा और क्या गया अपने वस्त्र को उन्होंने फाड़ दिया। What happened to his opulent hairstyle? उनके बालों का क्या हुआ? As he rolled on the ground and cried profusely, और वो जमीन पर लोटपोट होते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। ओ कृष्णा, ओ माय लॉर्ड, ओ कृष्णा, हे कृष्णा, ओ मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, ओ कृष्णा, ओ माय लाइफ एंड सोल, मेरे प्राण, मेरे आत्मा, यू हैव मेड माय हार्ट लाइक वुड और स्टोन, आपने मेरे हृदय को पत्थर या लकड़ी की तरह कठोर बनाया है। देखो, जो प्रभु का श्लोक सुन के रो पड़ते हैं, सात्विक भाव उदय होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा हृदय कितना कठोर है, मैं आपके बिना मर क्यों नहीं गया, फटा क्यों नहीं, आपके दर्शन नहीं हो रहे, इस प्रकार हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं और हम समझते हैं मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई भक्ति नहीं है। बहुत अच्छी कथा करना भी भक्ति का लक्षण नहीं है कि भाई बहुत अच्छी कथा करता है, क्या उसको उसकी अनुभूति हो रही है, क्या वो प्रेम में डूबा है? प्रेम में डूबना ही भक्ति का लक्षण है, अच्छी व्याख्या करना ये लक्षण नहीं है। प्रेम में मग्न होना, आपको प्रभु का गुणगान करते 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 वो प्रेम की अवस्था आती है, वो अलग बात है, गुणगान करते करते वो प्रेम की अवस्था आती है और गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु का गुणगान नहीं करोगे, संसार का करोगे, संसार का करोगे, संसार हृदय में बैठेगा और संसार हृदय में बैठेगा और हमारा मन बिगड़ेगा, हमारा पतन होगा। उस मन को कैसे सुधारना है? प्रभु का गुणगान करने से, प्रभु का चिंतन करने से, प्रभु की लीला का करने से अपने मन को सुधारना हम नहीं है, क्योंकि जब गुणगान करोगे धीरे धीरे मन उस पर लगना शुरू होगा, मन सुधर जाएगा, तो मन को हमने ही बिगाड़ा है और मन को हमने ही सुधारना है।
पर दूसरा हमारे मन को सुधारने को संग के कारण भोग में पड़ने कारण मन बिगड़ा है तो साधु संग के कारण कथा जाप से मन हमारा सुधर जाएगा। ही लमेंटेड एंड क्राइड लिटिल, वो विलाप करता जोर से चिल्ला रहे हैं, इन जो प्रेजेंट इनकार्नेशन आई हैव बीन डिसीव्ड, आपके इस सप्ताह में धोखा खा गया, मैं पहचान नहीं पाया कि आप ईश्वर हो। ही फेल टू द ग्राउंड एंड रोल्ड अबाउट सो फोर्सफुली दैट एवरीवन थॉट हैज हिज बोन बीन ब्रोकन टू पीसेस। वो इतनी जोर से गिरे और लोटपोट हुए कि लोग डर गए कि उनकी हड्डियाँ टूट तो नहीं गई हैं। ये शिवर सो विग्रेसी आउट एक्सटेटिक लव, इतनी जबरदस्त उनका कंपन हुआ प्रेम के कारण, दैट इवन 10 मैन कुड नॉट होल्ड हिम स्टिल, 10 बंदे उन्हें नहीं पकड़ सके एक जगह तरीके से। ये प्रभु की कृपा होती है, प्रेम का संचार होता है, हर चीज अलौकिक होती है भक्तों की। क्लोज बेडिंग वाटर पॉट्स बाउल्स एंड ऑल अदर पैराफेरिया वाज स्मैश्ड बाय द किकिंग ऑफ हिज फीट। कपड़े बिस्तर मटके बॉल यानी जो पात्र होते हैं और जितनी सामग्रियाँ वो सब टूट गई थी उनके लात मारने मात्र से। दिस वॉज नॉट अ सिंगल आइटम स्पेयर, देख भी चीज जो थी जो सही थी हर चीज तोड़ दी थी उन्होंने। ऑल इज सर्वेंट देन पैसिफाइड हिम एंड प्रोटेक्टेड व्हाट वाज लेफ्ट, उनके सारे सेवकों को शांत किया और जो बचा था उसे संभाला। After revealing his ecstatic love for some time in this way, इस प्रकार अपने प्रेम को दर्शाते हुए कुछ समय के लिए, he remained lying there unconscious due to ecstasy, वो उधर मूर्छित पड़ रहे भाव के कारण। There were no symptoms of life in his entire body, उनके पूरे शरीर में चेतना नहीं दिखाई दे रही थी कि वो जीवित भी है। I विद्यान दी मज इन एन ओशन ऑफ ब्लिस, क्योंकि वो आनंद के समुद्र में डूब चुके थे, प्रेम में मग्न हो चुके थे, इसलिए लगा कि उनके अंदर कोई प्राणी नहीं है। आफ्टर सीन द गदाधर वाज स्टक बाय वंडर एंड बिकेम समवट वरीड, ये देखने के बाद गदाधर जी जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए और चिंतित हो गए। I have disregarded such a great personality, मैंने इतने महापुरुष का तिरस्कार किया। At what inauspicious did I come to see him, मैं कैसे ये अमंगल में समय पर आया उसके दर्शन करने के लिए कि मेरे मन में उसके प्रति बुरे भाव है। बुरे भाव किसी भी वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में नहीं होने चाहिए। गदाधर पंडित अम्ब्रेस मुकुंड विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड बेद हिम इन टीयर्स ऑफ लव, गदाधर पंडित मुकुंड को आलिंगन किया, तृप्त हुए और उन्हें अपने आंसू से उनका स्नान किया अपनी आँख के आंसू से। ओ मुकुंड यू हैव एक्टेड एज माई रियल फ्रेंड, वो मुकुंद तू मेरा वास्तव में सच्चा मित्र है, क्योंकि सच्चा मित्र वो होता है जो श्रेष्ठ वैष्णव से मिलाए। सच्चा मित्र वो होता है जो प्रभु की भक्ति जागर कराए, प्रभु के करीब ले जाए, वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। जो प्रभु की भक्ति छुड़ाए, प्रभु से विमुख करे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो घर के सदस्य हो, वो सारे के सारे हमारे शत्रु ही होते हैं। फॉर यू हैव शोन मी द ग्रेट डिवोटी विद्या निधि भट्टाचार्य, आपने इतने महाभक्त के दर्शन कराए विद्यानिधि भट्टाचार्य के। इज देयर अनदर वैष्णव लाइक हिम इन द थ्री वर्ल्ड, त्रिलोकी में इन्हीं की तरह कोई वैष्णव है? इन फैक्ट द थ्री वर्ल्ड बिकम प्योरिफाइड बाय सीइंग हिज डिवोशन, ऐसे प्रेमियों के भक्ति के दर्शन करने से त्रिलोकी शुद्ध हो जाते हैं। आई वॉज एबल टू अवॉइड अ ग्रेट डेंजर बिकॉज यू वर विद मी, मैं बहुत बड़े संकट से बच गया क्योंकि तू मेरे साथ था। On seeing his materialist appearance, उन आपके भौतिक शरीर को देख के, रूप को देख के, I considered him a materialist वैष्णव, मुझे लगा ये भोगी वैष्णव है। You understood my mind and revealed the devotion mood of Pundarik, आपने मेरे मन के भाव को जान लिया और आपने उनके भक्ति को प्रदर्शित किया, उनके भक्ति भाव को दिखा दिया। I have committed an offense, so please have him bestow mercy on me, so that my offense nullified, मैंने अपराध किया इसलिए आप कृपा करिए मेरे पे ताकि मेरा अपराध जो है मार्जन हो जाए, खत्म हो जाए। All the devotees who are on this path of devotional service must have a spiritual master, जो भी भक्त है जो भक्ति के पथ में है उनको सदगुरु की आवश्यकता होती है।
आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। सो फार आई डू नॉट हैव एन इंस्ट्रक्टर, मुझे कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है, क्योंकि जब गुरु होते हैं या संत होते हैं वो शिक्षा देते हैं, तभी तो जीव सुधरता, उसके भक्ति की उन्नति होती है। बगैर गुरु के या बगैर संत के अपने आप पे कोई भजन नहीं कर सकता, उसको लगता मैं बहुत भजन कर रहा हूँ, क्या गलतियाँ कर रहा है, क्या अपराध, उसे पता ही नहीं होते, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं कर सकता, ना उसको अपनी कमियाँ दिखाई देती है और ना उसके अंदर भाव आते हैं, ना वो भक्ति कर पाता है, तो इससे उसकी उन्नति बहुत सीमित रहती है। इससे जीवन में संत का होना, गुरु का होना बहुत जरूरी, जो हमको शिक्षा दे, हमारे अहम को चूर्ण करे, हमारी कमियों को बताए, भगवान की भक्ति प्रेम उत्पन्न कराए और भक्ति कराए। माई डिजायर इज टू टेक मंत्र इनिशिएशन फ्रॉम हिम, मेरी इच्छा क्या मैं इनसे मंत्र ग्रहण करूं। इफ आई बिकम ए डिसाइपल देन ही विल फॉरगिव ऑल द ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड बट डिसरिगार्डिंग हिम, अगर मैं इनका शिष्य बन जाता हूं तो ये मुझे क्षमा कर देंगे जो कोई मैंने अपराध इनके प्रति किया, इनका निरादर क्या अलग किया नहीं, सिर्फ मन में भाव आए थे उसी का ये प्रायश्चित करे। और हम तो कितना कुछ बोल भी जाते हैं, गलत चीज बोल जाते, तो सोचो मेरे को तो डर लगता है कि हमारी क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी। After contemplating in this way, गदाधर expressed to मुकुंद a desire to take initiation. इस प्रकार कहने के बाद गदाधर ने इच्छा जागृत की मुकुंद से कि मैं हरिनाम लेना चाहता हूँ। यानी किसी मनुष्य से नाम जप की प्रेरणा देना और करवाने को ही इनिशिएशन कहा गया। इनिशिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी जीव जो कुछ नहीं करता उसको समझा के नाम जप की प्रेरणा देना, नाम जप करवाने को ही इनिशिएशन कहा गया। हियरिंग दिस प्रपोजल मुकुंद वॉज ग्रेटली सैटिस्फाइड, उनके प्रस्ताव को सुनकर मुकुंद जी बहुत तृप्त हुए। ही ग्लोरिफाइड दैट प्रपोजल बाय सेइंग वेरी गुड वेरी गुड, उन्हें उस प्रस्ताव को स्वीकार करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। After 6 hours, the most grave Vidyanidhi regained his external consciousness and sat down peacefully. 6 घंटे इस भाव में डूबे रहे और तब उन्हें भारी चेतना हुई और वो शांति से बैठ गए। यानी जो इंसान प्रेम में डूबता है ना, वास्तव में आंखों में आंसू, उसको उस स्थान से बाहर निकलने में समय लगता है। इनको 6 घंटे कम से कम थोड़ा भी कम से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो लगा उस भाव से निकलने को। जो इंसान जैसे कथा संसार की चर्चा इधर की चर्चा करता है, या तो उसे कुछ कथा समझ भी नहीं आई, या तो बैठा है उसको कुछ उस भाव ही नहीं मिले उसको, तभी वो संसार में इमिजिएटली लग सकता है। नहीं तो इंसान उसके बारे में सुनता है, चिंतन करता है, उसके विषय में पूछता है, उसको डूबता है, उसको समय लगता है आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा कुछ तो लगेगा बाहर निकलने के लिए। वो अगले क्षण हाँ ही हूँ इसके में नहीं लग सकता, इसका मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आई है, बैठा या तो उससे सुनी नहीं या तो उसको समझ भी नहीं आई है, अगर जो ध्यान से सुनेगा तो। गदाधर पंडित अनलिमिटेड टीयर्स मेड हिज एंटायर बॉडी वेट, गदाधर पंडित के अनंत अश्रु जो आंखों से गिरे पूरे शरीर को गीला कर दिया। सीइंग दिस विद्यानिधि महाशय वॉज मोस्ट प्लीज, विद्यानिधि देख के बहुत खुश हुए। ही अम्ब्रे गदाधर एंड हेल्ड हिम टू हिज चेस्ट, उन्होंने गदाधर का आलिंगन किया और छाती से लगाया। एज गदाधर स्टूड देयर इन awe एंड रेवरेंस, गदाधर खड़े और ऐश्वर्य भाव में आदर के साथ मुकुंद रिवील गदाधर माइंड, मुकुंद ने गदाधर जी के मन की बात कही। डाउट अरोज इन हिज माइंड व्हेन ही सॉ योर बिहेवियर एंड ऑपुलेंस, मन में शंका उत्पन्न हुई जब आपके व्यवहार और ऐश्वर्य को देखा। इन ऑर्डर टू अटोन फॉर हिज ऑफेंस, अपने अपराध के क्षमा के लिए ये नॉट डिसाइड टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम यू, ये आपसे हरिनाम ग्रहण करना चाहता, दीक्षा लेना चाहता है। He is renounced devotee of Vishnu, ये विष्णु का परम भक्त है। And since his childhood he has shown the experience of mature person, बचपन से ही इन्होंने क्या बोलते हैं मैच्योरिटी दिखाई है, यानी गंभीरता दिखाई है। गंभीरता भक्तों के अंदर गंभीरता बहुत होती है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के भाव में डूबे रहते हैं। Moreover, he is a qualified son in the family of Madhav Mishra. और ये योग्य पुत्र है माधव मिश्र के परिवार में।
He has been a constant companion of the Lord since his childhood. बचपन से ही भगवान का नित्य संगी रहा है. Therefore, Pundrik and Gadadhar made a perfect guru and disciple. Pundrik और गदाधर ने क्या किया? पूर्ण गुरु और ये पूर्ण शिष्य बने, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव थे, वो गुरु के लायक थे, गुरु बना और इन पे भी योग्यता थी, ये भी शुद्ध थे, तो पूर्ण गुरु पूर्ण शिष्य बने. प्लीज सेलेक्ट एन ऑस्पिशियस डे टू इनिशिएटिव इन द मंत्र ऑफ योर वर्शिपल लॉर्ड. कहते हैं कि उचित दिन चुनिए, मंगलकारी दिन, जिससे उसको हरिनाम दिया जाए. ऑन हियरिंग दिस पुंडिक विदन स्माइल एंड सेड. ये सुन के पुंडिक विनदी क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए? हैव ऑब्टेन्ड अ प्रेशियस ज्वेल बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस. मुझे एक कीमती बहुमूल्य मणि मिला है भाग्य के अनुसार. भाग्य की से मणि क्या? एक सच्चा वैष्णव मिलना, वही तो मणि है. ये संसार में शुद्ध वैष्णव मिलना और शुद्ध हरि कथा होना ही दुर्लभ है. कथा बहुत होती है लेकिन उसे मनोरंजन होता है. उसके उधर उद्देश्य होता है पैसा कमाना, जीव से भजन कराना नहीं. कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीव से भजन कराने के, नाम जपाने के लिए की जाए, तब वो कथा वास्तव में कथा है. ये तो वो कथा नहीं, वो टाइम वेस्ट है. अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही और कथा का उद्देश्य जीव से हरि नाम नहीं कराना, तो वो कथा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा. I will certainly initiate it. There is no doubt about. मैं इसको हरि नाम दूंगा, दीक्षा दूं, में कोई शक नहीं है. By the good fortune of today, at many in many birth, one attains such a disciple. कहते हैं कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तो ऐसा योग्य शिष्य मिलता है. और सच्चा गुरु भी कई जन्म के पुण्य से ही तो मिलता है. नहीं तो ऐसे बहुत से गुरु हैं आश्रम देखते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, मिलते हैं, हरिनाम नहा जी लिया, क्या करते हो? हम मांस भी खाते हैं, शराब भी. हमारे गुरु ने तुम्हें मना नहीं किया, ये नहीं किया, क्या माला करते हो? हमको देने किया या ये मंत्र दिया, दिन में एक माला कर लेते बस हो गया. जो गुरु भागवत को माने ना, भागवत की प्रथम चीज़ें मांस शराब जुआ परस्त्री और अधर्म पूर्व धर्म. और शुद्ध अवस्था में आते हो, कंठी पहनते हो, तुलसी पहनते हो, गर्ग संहिता के अंदर स्वयं ये बात राधा रानी बताती हैं, महिमा गाती हैं क्या आगे गोपियाँ राधा रानी के. राधा स्वयं कहते हैं कि तुलसी की सेवा करने से कृष्ण भक्त जब धारण करते हो तुलसी को, तब क्या होता है? इंसान प्यार लहसुन चाय कॉफी तक छोटा और शुद्ध अवस्था में आता है. तो यानी वो कैसा गुरु है जो रोके ना, भजन ना कराए, हरिनाम करने को ही ना कहे? कल युग का युग धर्म हरिनाम हो तो मैं अन्य यज्ञ में लगवा रहे हैं, वो यज्ञ. यज्ञ का मतलब होता है विष्णु की प्रसन्नता. जब कोई भी क्रिया, जब हरिनाम भी विष्णु की प्रसन्नता के लिए करे तो हम यज्ञ ही तो कर रहे हैं, नाम कीर्तन यज्ञ करे. इस यज्ञ से ही प्रभु प्रसन्न होते, दूसरे यज्ञ की आवश्यकता नहीं. यज्ञ का मतलब विष्णु की प्रसन्नता. हरि कथा हरिनाम विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब किया जाता है तो ये यज्ञ कहलाता है. और यही युग धर्म है कलयुग का, हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा. दूसरा यज्ञ तो संभव ही नहीं है कलयुग के अंदर. लेकिन ऐसे हम देखते हैं जो मिलते हैं तो ये दुर्भाग्य ही होता है शिष्य का. यानी जो चीट होना चाहता है उसे भगवान चीट करते हैं, और जो सच्चा होता है उसका भगवान कभी चीट होने नहीं देते. The most auspicious moment will be found on the Dwadashi of the next waxing moon. यानी द्वादशी के दिन शुभ मंगलकारी दिन होगा, जो जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष के समय में, एकादशी के बाद द्वादशी शुक्ल पक्ष की. योर डिजायर विल बी फुलफिल ऑन दिस डे. आपकी इच्छा उदन पूर्ण होगी. हियरिंग दिस गदाधर हैप्पीली ऑफर्ड इन ऑबिसेंसेस. यह सुनकर गदाधर जी ने उन्हें प्रणाम किया. टेकिंग लीव ऑफ मुकुंद ऑन दैट डे, मुकुंद से उन्होंने छुट्टी ली. गदर वेंट टू सी लॉर्ड गौरांग. वो गौरांग महाप्रभु के पास गए. लॉर्ड विश्वंभर वाज अनलिमिटेडली प्लीज टू हियर ऑफ द अरेवल ऑफ विद्यानिधि. विश्वंभर जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए विद्या नदी के बारे में सुन के कि विद्या नदी आ चुके हैं.
वन नाइट विद्या निधि महाशय सीक्रेटली केम टू सी द लॉर्ड. एक रात को विद्या निधि महाशय गुप्त रूप से आए दर्शन करने के लिए. He left everyone behind and came alone. उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ दिया और आए. As soon as he saw the Lord, he fell unconscious. और भगवान के दर्शन करते मूर्छित हो गए. Out of ecstasy, he fell unconscious to the ground. भाव में डूबने कारण वह मूर्छित हो गए. Even before he offered obeisances to the Lord, मैंने प्रणाम करने के पहले मूर्छित हो गए. तो सोचो कितना अधिक प्रेम उनके हृदय में होगा. After a while, he regained external consciousness and rode loudly. कुछ समय के बाद उन्हें भारी चेतना होती है, वे गरजते हैं. Then he wept as he condemned himself. फिर वो विलाप करते हैं, अपने आप को कोसते हैं. ओ कृष्णा, ओ माय लाइफ एंड सोल. ओ कृष्ण, मेरे प्राण और आत्मा. ओ कृष्णा माय चाइल्ड. ओ कृष्ण मेरे पुत्र. हाउ मच सफरिंग यू आर गिविंग दिस ऑफेंडर. आप इस अपराधी को कितना दुख दे रहे हो. माई चाइल्ड, यू हैव डिलीवर्ड द एंटायर वर्ल्ड. आई अलोन हैव बीन चीटेड. आपने पूरे संसार को तारा है कि मैं ही धोखा खा गया हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ. जो श्रेष्ठ वैष्णव है वो ऐसी अनुभूति करते हैं. ये वास्तव में ये पड़ी हुई बात ही दोहरा रहे. ये अनुभूति करते मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं, मेरे जेब में लेश मात्र भी प्रेम नहीं है और मेरा तो उद्धार हो ही नहीं सकता. और जो भजन जिनका बहुत कम होता है, मैंने तो तरना, मैं नहीं तरूंगा तो कौन तरेगा, मेरे से अच्छा कोई भक्ति नहीं है, उनके इस बात का अभिमान होता है. तो समझ जाओ कि उनका भक्ति का स्तर बहुत निम्न है. There was no Vaishnav that did not recognize the position of Vidyanidhi. ऐसे कोई वैष्णव नहीं थे जो विद्यानिधि की स्थिति को नहीं जानते थे. When he cried, everyone cried. जब वो रोते थे सभी रोते थे. Knowing that a dear most devotee had arrived. ये जानते हुए कि उनके प्रिय भक्त आए हैं. विश्वंबर हुई most affectionate to his devotee. विश्वंबर महाप्रभु जो भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं. Respectfully got up and embraced them. उठते और उनका आलिंगन करते हैं. The Lord cried while standing. भगवान रोते हुए कहते हैं, Oh Father Pundarik, today I have seen my father with my own eyes. Oh पिता पुंडरीक, मैंने आज पिता के दर्शन के अपनी आंखों से. ये पुंडरीक विद्यानिधि पूर्व अवतार में वृष भानु थे, राधा रानी के पिता. Then all the devotees came to know about the arrival of Vidyanidhi Gosai. तो महाप्रभु के वजह से सब भक्तों को पता चल गया कि विद्यानिधि गोसाई आए. Then all the Vaishnav began to cry in ecstasy. सारे वैष्णव जो हैं भाव में रोने लगे. That scene was most wonderful and cannot be described by words. वो शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता. श्री गौर सुंदर हेल्प विद्यानिधि टू हिज चेस्ट. गौर सुंदर विद्यानिधि का आलिंगन करते हैं. एंड सोक्ड एंटायर बॉडी विद टीयर्स ऑफ लव. और पूरे शरीर में प्रेम के अश्रु बहते हैं. ऑल द डिवोटीज कुड अंडरस्टैंड दैट वी आर मोस्ट डियर टू द लॉर्ड. सब भक्त समझते थे कि ये भगवान के सबसे प्रिय हैं. दे डिस्प्लेड इवन मोस्ट डियर टू लॉर्ड. दे डिस्प्लेड लव एंड इंटीमेसी फॉर हिम. और वो उनके प्रति यानी पंडित विद्यानिधि प्रति प्रेम और अपनापन दिखाने लगे. विद्यानिधि did not release the Lord from his chest. विद्यानिधि भगवान को अपने छाती से दूर नहीं करना चाहते थे. He appeared that the Lord merged with his body. ऐसे तो भगवान उनके शरीर में समा गए हैं. गौरचंद्र remained there motionless for 3 hours. गौरचंद्र इस प्रकार 3 घंटे तक जड़ अवस्था में रहे. Thereafter the Lord regained the external consciousness and chanted names of Hari. तब भगवान को भारी चेतना आई, उन्होंने हरि नाम करना शुरू किया. There today Lord Krishna has fulfilled my desire. और कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी की है. Today I have attained that which is beyond my dream. और मुझे वो प्राप्त किया है जो मेरे सपने से परे है. After meeting all the Vaishnav, Pundarik joined them in kirtan. वैष्णव को मिलने के बाद पुंडरीक जो है उनके साथ कीर्तन में लग जाते हैं. ये नेम इज पुंडरीक विद्यानिधि. इनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि है. प्रोविडेंस हैज क्रिएटेड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट लविंग डिवोशनल सर्विस. भाग्य ने उन्हें रचा है भक्ति का प्रचार करने के लिए.
यानी शुद्ध भक्त का मिलना असीम सौभाग्य का लक्षण होता है। वह याद रखना, असीम सौभाग्य का लक्षण होता है शुद्ध भक्त का मिलना। भगवान की असीम कृपा होती है, बहुत हमारे अच्छे कर्म होते हैं जब शुद्ध भक्त मिलते हैं और हम भक्ति का हमारे अंदर जागृत करा सकते हैं, भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न करा सकते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। While describing his quality in this way, इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते हुए the Lord raised his arm and loudly chanted name Hari, भगवान ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और जोर से हरि नाम करने लगे। The Lord said today my morning was most auspicious, भगवान ने कहा आज मेरा प्रातःकाल बहुत मंगलकारी है। Today I felt the presence of great auspicious, आज मुझे मंगलकारी महसूस हो रहा है कि आज मंगल का दिन है। Today I have been gotten up at a most auspicious moment, आज मैं शुभ समय में उजागृत हुआ हूँ। For I have seen प्रेम निधि विद माई ओन है, जो प्रेम के निधान है, प्रेम जिनके अंदर भरा है उनको अपनी आँखों से देखना, यानी प्रेमी भक्त के दर्शन करना असीम कृपा चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। There after श्री प्रेम निधि regained his external consciousness, तब जाके पुंडलिक विद्यादिधि जो प्रेम निधि, प्रेम निधि भी कहते हैं, उनका भारी चेतना हुई। रिकॉग्नाइजिंग हे लॉर्ड ही ऑफर्ड ऑबिसेंसेस, अपने प्रभु को पहचान के उन्होंने प्रणाम किया। हे ऑफर्ड ऑबिसेंसेस तो श्री अद्वैत प्रभु, उन्होंने अद्वैत प्रभु को प्रणाम किया। एंड देन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट लव एंड डिवोशन टू एवरी वन, और तब जाके इन्होंने प्रेम और भक्ति सबको दी। All the devotees were filled with ecstasy on seeing Pundrik, who was such an ocean of love. सारे भक्त भक्त जो थे वो भाव में डूबे हुए थे पुंडरीक के दर्शन करने से, जो प्रेम के समुद्र है। Only the most fortunate व्यासदेव is qualified to describe the love and devotion that manifests at that time. कहते बहुत भाग्यशाली व्यास देवी हैं क्योंकि उन्हीं में योग्यता है उस भक्ति और प्रेम का वर्णन करने की जो उस समय दिखाई दे रहा था। Then Gadadhar asked the Lord for permission to take the mantra initiation from Pundrik. फिर गदाधर ने प्रभु से आज्ञा ली कि मैं पुंडरीक से मंत्र लेना चाहता हूँ। Not understanding his unfathomable character, से some disrespect arose in my heart. कहते मैं उनकी महिमा नहीं समझ सका और मैं मेरे अंदर उनके भाव, उनके प्रति बुरे भाव जागृत हुए, अनादर के भाव जागृत हुए। Therefore I wish to become a disciple, इसलिए मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। For the spiritual master will certainly forgive the offenses of a disciple, क्योंकि जो गुरु है अपने शिष्य के अपराध को क्षमा करता है। गुरु हमेशा क्षमा ही करते हैं क्योंकि वो, क्योंकि भक्त होते हैं ना, भक्त होते हैं कृष्ण नाम जपते हैं तो कृष्ण के गुणों का संचार होता है। क्योंकि हमारे कृष्ण दयामय करुणामय है, दयानिधि है, तो गुरु के अंदर भी तो वही गुण होते हैं। जिस गुरु के अंदर वैर हो, विरोध हो, बदले के भाव ना हो, फिर वो गुरु गुरु नहीं है, उसको त्यागने में कोई दोष नहीं है। गुरु के अंदर दया करुणा ये भाव होते हैं और ये गुण प्रभु से आते हैं, प्रभु के भजन से आते हैं। अगर इसका क्रोध होता है तो क्रोध क्षणिक होता है, जीव को सुधारने के लिए होता है, वैर रखने के लिए नहीं होता है। क्रोध क्षणिक होता है, सुधारने के लिए होता है, क्योंकि उसका गोविंद को हृदय में रखना है, क्रोध को नहीं, किसी और को धारण नहीं करना है, अपने जीवन का बर्बाद नहीं करना है, कृष्ण को धारण करना है, इसलिए उसका क्रोध कुछ ही क्षण में लुप्त हो जाता है। The Lord was satisfied on hearing the words of Gadadhar and said, "Do it quickly, do it quickly." भगवान बहुत खुश है, मैंने कहा तुरंत ले लो, तुरंत ले लो। Therefore, Gadadhar took initiation from Premnidhi with full satisfaction. उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण की, पूर्ण तृप्ति प्राप्त की। What more can I say about the glories of Pundrik? मैं पुंडरीक के विषय में और क्या कह सकता हूँ? Who had such a disciple as Gadadhar? जिनके गदाधर जैसे शिष्य थे,
ही वॉज द टॉप मोस्ट डिवोटी, और जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। देखो हमारे इधर भी जिन लोगों ने हरि नाम दिया है, तो पहले उन्होंने हरि नाम जपा, बुराइयां छोटी, तभी तो गुरु से लेने के अधिकारी हुए। तो सोचो हरि नाम इटसेल्फ इतना पावरफुल है। भक्ति मोहन ठाकुर जी ये भी कह दिया कि आपको किसी गुरु के धारण करने की भी आवश्यकता नहीं, आप जब हरि नाम करोगे वो सबको देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु धारण नहीं करें, मतलब कि कोई शिक्षा देने वाला तो चाहिए है, लेकिन लेकिन कैसे भी कोई हरि नाम करेगा वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। जितने भी लोग सुधरे हैं तो हरि नाम से ही तो सारी बुराई छोटी है, वो गुरु धारण करने के अधिकारी बने हैं। हरि नाम ही तो गुरु धारण करने का अधिकारी बनाता है, गुरु ही प्रभु से मिलन की लालसा पैदा कराता है, हरि नाम ही ग्रंथ प्रदान कराता है, हरि नाम ही ग्रंथ समझने की क्षमता भी देता है, और हरि नाम ही प्रभु के चरण में लेके जाएगा। जो होना हरि नाम से होना है। गुरु धारण करने का ये फल क्या होता है कि हमें कृपा मिलती है, परंपरा गुरु परंपरा की कृपा आ जाती है। तो हमारे जो पूर्व आचार्य हैं वो देवता हमारी परंपरा है, तो वो तो कृपा कर ही देंगे हम पे, चाहे गुरु चाहे मध्यम अधिकारी हो चाहे उत्तम अधिकारी, पैदा हमको कुछ जज करने का किसी को अधिकार नहीं है कि वो कौन सा है। जो भी है अगर वो भजन कराए परंपरा में तो आपको परंपरा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और हमारे गुरुवर्ग ही भगवान से विनती करेंगे और आपको तार देंगे। आई हैव बीन नहीं तो आपकी को रिकमेंड करने वाला कौन है? आज जो नहीं लिया उनको रिकमेंड करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। फिर किसके के बल पे आप तरोगे? इसलिए हरि नाम करना बहुत जरूरी है। पहला अंतकरण शुद्ध हो, करते 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 फिर गुरु धारण करना जरूरी होता है। आई हैव जस्ट डिस्क्राइब अ फ्यू टॉपिक रिगार्डिंग पुंडरीक विद्यानिधि, माई ओनली डिजायर इज दैट आई मे सी हिम समडे। तो कहते हैं मैंने कुछ वर्णन किया पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, कुछ गुणों का वर्णन किया, उनके विषय में कहा है, मेरी इच्छा ऐसे भक्त मेरे को एक दिन उनके दर्शन हो। पुंडरीक एंड गदाधर वर द आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। पुंडरीक और गदाधर जो थे वो सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिष्य थे। दे वर बोथ डियर टू श्री कृष्ण चैतन्य, दोनों ही कृष्ण के प्रिय थे, महाप्रभु के प्रिय थे। एंड इवन हु रीड्स और हियर्स अबाउट द मीटिंग ऑफ पुंडरीक एंड गदाधर ऑब्टेन द वेल्थ ऑफ लव। जो हमने जिनके विषय में आप पढ़ा, एक घंटे से पढ़ रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, गदाधर उन्हें प्रेम धन की प्राप्ति होगी। एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य एंड नितिन प्रभु एज माई लाइफ एंड सोल, आई वृंदावन दास ठाकुर सिंह द गुरु ऑफ दोस लोटस फीट। महाप्रभु नित्यन जी को अपने प्राण और आत्मा मानते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं उनके गुणों का गुणगान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम विश्राम करते हैं, कथा अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पत्रु भैश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।